रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण 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 श्रीमद्भागवत स्कंद छः अध्याय सोलह श्लोक बीस आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्योर्मये नमः ऋषिकेशाय माते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्युपरते प्राप्य येको मनसा सह
अनाम रूपश्चिन् मात्रः सोऽव्यन्नः सदसत्परः नारायणः। बहुत विचित्र तथ्य बीसवें श्लोक के माध्यम से देवर्षि नारद ने व्यक्त किया। एक हिंदी में कहावत है, दीपक तले अंधेरा। हमारे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमारा आपका तात्विक स्वरूप ही है। जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं उनका समाधान तो हमारा स्वरूप ही है। इस तथ्य को ना समझने के कारण अरबों कल्प बीत गए, असंख्य जन्म अब तक हो गए, लेकिन संकट का कोई अंत नहीं, विपत्ति का कोई अंत नहीं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हम अपनी समस्या का समाधान साथ लिए फिरते हैं फिर भी समस्या से त्राण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यही तो विचित्र विडंबना। उदाहरण के लिए, पूरे विश्व में भौतिकवादी हों या अध्यात्मवादी हों, समस्या तो तीन ही है, मृत्यु का भय सबको प्राप्त है, जड़ता के अज्ञता के चपेट में सब पड़े हुए हैं, तीव्र तापों के चपेट में सभी पड़े हुए हैं। मृत्यु, जड़ता और दुख मूलभूत तो तीन ही समस्याएं हैं ना, उनका समाधान भी पहले से ही प्राप्त है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आत्मा सद्रूप है, इस तथ्य का ज्ञान होने पर, ध्यान रहने पर मृत्यु का भय संभव ही नहीं है। आत्मा जड़ प्रपंच का भी साक्षी है, अनित्य वस्तुओं का जहाँ साक्षी आत्म तत्व है वहाँ जड़ प्रपंच का भी तो साक्षी है। वत्वाखंड विज्ञान स्वरूप ही है, उस तक तो अज्ञान की जड़ता की छाया भी नहीं पहुँच सकती है। आत्मा पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप ही है, उस तक तो दुख की छाया भी नहीं पहुँच सकती। समाधान तो अपना स्वरूप ही है और उस समाधान के लिए इस सृष्टि की संरचना भी है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतं गमय। हे प्रभु, हमारे जीवन, मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो कि जो कुछ अनित्य है उसका आलंबन लेकर ही मैं आप नित्य तक पहुँच सकूँ। जो कुछ जड़ है उसका आलंबन लेकर ही आप चित परमात्मा तक पहुँच सकूँ। जो कुछ दुख है उसका आलंबन लेकर ही आप सुखरूप परमात्मा तक पहुँच सकूँ। जगत का एक नमूना हमारे पास देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के रूप में प्राप्त है, इन्हीं का सदुपयोग करके हम मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। व्यवहार की दृष्टि से भी एक तथ्य है, कोई भी समस्या आ जाए तो पहले विचार करना चाहिए कि समस्या का कारण कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। होता ऐसा है, प्रायः समस्या का कारण जो व्यक्ति होता है और दूसरी ओर झांकता है कि इसके कारण तो समस्या नहीं, इसके कारण। पहली दृष्टि होनी चाहिए
जो समस्या आई है उसका कारण मैं ही तो नहीं हूँ, उसके बाद समाधान कहीं मेरे पास ही तो नहीं है या विचार करने की जरूरत। कदाचित मेरे पास है तो कितने प्रतिशत है, अगर इतने प्रतिशत नहीं है तो साथ वालों के पास ही तो नहीं है, सब मिल करके समस्या का पूर्ण समाधान कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं तो बाहर झांकने की क्या जरूरत है, और पास वालों के पास नहीं है तो फिर कितनी दूर पर किनके पास समाधान हो सकता है। विचार करके देखें तो जो भी पूरे विश्व में स्थावर जंगम प्राणी हैं उनकी समस्या तो मुख्य रूप से तीन ही है, मृत्यु का भय, जड़ता का त्रास, दुख का झमेला। विचार करके देखें तो मृत्यु का भय क्यों प्राप्त है, मृत्यु कदाचित का है, सदा प्राप्त होने वाला भय है मृत्यु का या कभी कभी, अगर सर्वकालिक मृत्यु का भय है तो सुषुप्ति में क्यों नहीं प्राप्त है, या तो सार्वभौम सिद्धांत है ना, गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय प्राप्त होता है नहीं ना, सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी भी द्वंद्व के चपेट में गाढ़ी नींद में कोई पड़ता है, आस्तिक हो या नास्तिक, स्त्री हो या पुरुष, नर हो या वानर, और त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में होती है नहीं, इसका कारण क्या है, इस पर विचार करें। मृत्युग्रस्त जड़ और दुखप्रद शरीर में आत्मबुद्धि या अहंता ममता के कारण मृत्यु का भय प्राप्त है, जड़ता के चपेट में पड़े हैं, त्रिविध तापों के चपेट में पड़े हैं, यही तो गाढ़ी नींद में क्या चमत्कृति है कि मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता, द्वंद्वों के चपेट में नहीं पड़ते, किसी कामक क्रोधादि मनोविकार के चपेट में नहीं पड़ते, त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति नहीं होती, कारण तो एकमात्र है मृत्युग्रस्त जड़ और दुख पर शरीर को लेकर अहंता ममता का उदय नहीं होता, अहंता ममता के आश्रय अहम ही सुसुप्ति में सो गया होता है, इसकी व्याख्या पिछले दिनों पर्याप्त की गई। तो यहाँ कहा गया हे प्रभो आप स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से संतृप्त हैं, इसलिए राग द्वेष आदि जो जीवनिष्ठ मनोविकार हैं उनसे पारंगत रहते हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप तो प्रत्येक जीव के देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के नियामक हैं, वस्तुतः सर्व रूपों में आपकी ही अभिव्यक्ति हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ, जितने मनोविकार हैं सबके मूल में मैं स्वयं सत, स्वयं चित, स्वयं आनंद नहीं हूँ, यह अज्ञान ही तो सन्निहित है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, राग द्वेष इन सब का मूल क्या है, द्वैत भाव, द्वैत बुद्धि, काम क्रोध आदि का मूल क्या है, द्वैत बुद्धि, और क्या है, स्वरूप का ज्ञान। जब स्वरूप का ज्ञान है तो द्वैत बुद्धि भी होती ही है, एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। मृत्युग्रस्त शरीर को लेकर अहंता ममता का उदय सुषुप्ति में नहीं होता तो मृत्यु का भय भी नहीं प्राप्त होता, जड़ता के चपेट में भी नहीं पड़ते, और कामक क्रोधादि मनोविकारों के चपेट में भी नहीं पड़ते, त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति भी नहीं होती। अन्य जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं
सुषुप्ति में दुखा भाव तो है लेकिन आनंदोपलब्धि नहीं है। दुख का भाव है गाढ़ी नींद में, आनंद की प्राप्ति नहीं है। लेकिन पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस मान्यता का परिहार कर दिया। जहाँ अंधकार का भाव है वहाँ प्रकाश का सद्भाव मानने के लिए हम आप बाध्य हैं या नहीं? क्या अरे अंधकार नहीं है तो प्रकाश अवश्य, अगर प्रकाश ही ना होता तो अंधकार का भाव कैसे होता? जब अनुभव सिद्ध है, सार्वभौम सिद्धांत है कि गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति हमको नहीं होती, तो यह मान के चलना चाहिए आनंद की प्राप्ति जरूर होती है। इसीलिए मांडूक्य उपनिषद ने आनंद भुक् कहा, आनंद का भोक्ता जीव होता है। अब एक विचित्र बात, आनंद भोग्य के रूप में भी मिले और आनंद स्वरूप भी सिद्ध हो तब जीवन मुक्ति का विलक्षण उल्लास जीवन में प्राप्त होता है। आनंद भोग्य भी हो और आनंद आत्मस्वरूप भी सिद्ध हो, एक बहुत विचित्र बात है। यमुना गंगा समुद्र जो भी लें जलाशय, वहाँ की जो बालुका होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, उसकी प्यास को जब तक जल दूर न कर दे और प्यास को दूर करके बालुका को मिट्टी को संतृप्त करके अतिरिक्त जल फिर आगे बढ़ता है। क्या अगर चुल्लू भर जल हो तो वहाँ की बालुका ही उस जल को निगल जाएगी, नदी का रूप कैसे धारण कर सकेगा वो जल? तो जल का पहला दायित्व होता है कि वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की बालुका में, वहाँ के रेत में जितने पानी पचाने की क्षमता है उसको पर्याप्त दे, उसके बाद जल ऊपर उठ सकता है और आगे की ओर जा सकता है, प्रवाहित हो सकता है। इसी प्रकार जीवन में सबसे बड़ी समस्या है आनंद की प्राप्ति। मैं पंचदशी के अनुसार बोल रहा हूँ। यद्यपि आत्मा सच्चित आनंद है, सद्रूप भी आत्म तत्व है, चिद्रूप भी है, आनंद रूप भी है, आत्मा है जब मैं कहता हूँ तो किसी और की बात नहीं है, इसको यूँ लेना चाहिए मैं सद्रूप, मैं चिद्रूप, मैं आनंद रूप हूँ। पंजाबी बढ़िया बोलते हैं, पंजाब के लोग, अपना आपा, आत्मा माने अपना आपा पंजाबी। हमारे 99% सहपाठी दिल्ली में पंजाबी ही थे, उन दिन तो हरियाणा भी पंजाब में ही था, तो प्रायः एकाएक हमारे मुँह से पंजाबी में ही एक दो वाक्य निकलता है प्रायः। यद्यपि मैं पंजाबी बोलता नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन जो जो तीन वाक्य हैं वही मुझसे निकलता है। एक बार शंकराचार्यों के बीच में हमारी त्योरी चढ़ गई तो हमने पंजाबी में ही दो चार वाक्य बोला तो श्रृंगेरी वाले से मेरी मुँह की ओर देखने लगे, तो हम समझ गए कि अब हिंदी में बोलना चाहिए तो हमने क्या संकेत किया, अपना आपा। जब हम आत्मा कहें तो उसका अर्थ है किसी भिन्न की, अन्य की गाथा नहीं है, स्वयं की ही गाथा है, अपना आपा। तो एक विचित्र बात है, क्या विचित्र बात है, आत्मा तो सच्चित आनंद तीनों ही है, एक ही आत्मा नित्य होने के कारण सत है, ज्ञान स्वरूप होने के कारण, साक्षी होने के कारण चित है, स्वप्रकाश साक्षात अपरोक्ष होने के कारण, पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। ऐसा होने पर भी आत्मा की आनंद रूपता की अभिव्यक्ति बहुत दुर्लभ है।
क्योंकि पंचदशी कार ने लिखा प्रकृति के या माया के तीन गुण हैं सत्व रजस तमस। तमोगुण के द्वारा भी सत्ता की अभिव्यक्ति होती है, आत्मा की सद्रूपता का ज्ञान सुगम है। सन घटा सन पटा सन त्यापह अस्ति भू सन वायु हो, अमुक है अमुक है अमुक है अमुक है। सत का अभिव्यंजक प्रत्येक नाम रूप होता है। सत का अनुशीलन, सत की अभिव्यक्ति का अनुशीलन कठिन नहीं है, लेकिन कुछ सांख्य की भिन्न प्रक्रिया के अनुसार, क्योंकि उनके यहाँ राजस तम का कार्य ज्ञानेन्द्रिय भी है, इसलिए रजोगुण के द्वारा भी आत्मा की चित्ता ज्ञान स्वरूपता अभिव्यक्त हो जाती है। अमुक भांति या स्फुरन हो ही रहा है। भांति का अर्थ क्या है? वो भानस स्वरूप आत्मा की नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में अभिव्यक्ति होती है। विद्युत की अभिव्यक्ति जैसे बल्ब और बादल के माध्यम से होती है, वैसे ही सबसे दुर्लभ क्या है? आनंद की अभिव्यक्ति। आत्मा आनंद स्वरूप है, पर प्रेमास्पद है, लेकिन उसका अभिव्यंजक संस्थान सत्व गुण है। सत्वगुण हिंदी वाले बोलते हैं, रजोगुण शब्द शुद्ध है, सत्वगुण शब्द बिल्कुल गलत है, सत्वगुण बोलना चाहिए। हिंदी वाले रजोगुण की शैली में सत्वगुण बोल दे, गलत है सत्वगुण। कभी कभी पंडित लोग भी भूल कर जाते हैं, ध्यान न रखने के कारण सत्वगुण बोल देते हैं। सत्वगुण होता है, रजोगुण तो ठीक है, सत्वगुण नहीं, सत्वगुण। जब तक अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता ना हो, तब तक आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अभिव्यंजक संस्थान की दुर्लभता है, और आत्मा तो सदा ही आनंद स्वरूप है। इसीलिए बहुत विकट समस्या है, आनंद की प्यास को बुझा पाना कठिन है, क्योंकि सत्वगुण जब आएगा तब वो आनंद को व्यक्त करेगा, नहीं तो नहीं होगा आनंद व्यक्त। अब दूसरा प्रस्थान है कि रजोगुण तो मध्यवर्ती है, वो तमोगुण को भी बल देता है, वेग देता है, गति देता है। सत्वगुण को भी बल देता है, वेग देता है, गति देता है, क्योंकि तमोगुण अपने आप में निष्क्रिय, सत्वगुण भी अपने आप में निष्क्रिय। तो रजोगुण अपनी वंश परंपरा नहीं चलाता, दोनों को उद्दीप्त करके अपनी शक्ति का विनियोग कर देता। एक दिन हमने बताया होगा, 25-30 दिन पहले मेरठ में एक पैंट पहने हुए बाबूजी आए मेरे पास आके, कहा स्वामी जी ओम हरि। हम देखने लग गए, दंडी स्वामी को ओम हरि कहते। क्यों कहते हैं? हरि ओम, आनपूर्वी तो ये है ना, तो व्यवहार में आनपूर्वी बदल दिया तो श्रुति गौण हो गई, स्मृति कोटि की बन गई। इसीलिए ओम हरि, हरि ओम को ओम हरि, ओम हरि को हरि ओम, ओम हरि, हरि ओम को पलट देते हैं तो ओम हरि। हमने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पेंट वाला था। हमको आश्चर्य हुआ कि दंडी स्वामी एक दूसरे को कहते ओम हरि। कहा आप मौन क्यों हैं, आप भी हमको कहिए ओम हरि। तो और मैं मुस्कुराया, क्योंकि मेरठ मुजफ्फरनगर हरियाणा की भाषा बहुत विचित्र होती है, हाँ बहुत विकट। हरियाणा वाले बड़े भाई को पुकारते हैं, कथ कख जाय छे रे, कख जाय छे रे, कहाँ जाते हो ए। बड़ी विकट भाषा होती है, प्रेम चाहे कितना भी हो, भाषा बड़ी विकट।
तो मेरठ की भाषा भी बहुत दिक्कत होती है, हम लोग तो जहाँ का शरीर है उधर तो बहुत मृदु भाषा होती थी होती है। तो हमने मुँह देखा तो उन्होंने कहा सुनिए भूमानंद का नाम सुना है, अपने गुरु के लिए जी भी नहीं लगाया, भूमानंद का नाम सुना है। हमने कहा बहुत बढ़िया, वो पूज्य है हमारे, आस्थास्पद हैं, महापुरुष हैं, धन्य स्वामी, मैं उसका शिष्य हूँ। तो हमने कहा ठीक है, आप हमको पेंट में देख कर के चौंक रहे ना, मैं तीन भाई हूँ, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, मैं बीच वाला हूँ, मैं ट्रैक्टर की दुकान करता हूँ, ट्रैक्टर की फिटिंग भी करवाता हूँ, लेकिन मैंने शादी नहीं की, इसलिए मैंने आपको ओम हरि कहा, आप हमको दंडी स्वामी ही समझ लीजिए, शादी क्यों नहीं की आप पूछिए। तुमने कहा मुझे क्या जरूरत है, बताना हो बता दो। दोनों भाइयों को स्वावलंबी बनाया है, दोनों भाइयों को स्वावलंबी बनाने के लिए मैंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं किया। अब एक सांख्य का यह प्रस्थान आ गया। रजोगुण की वंश परंपरा चलती है, विवरण और भामती प्रस्थान के अनुसार एक प्रस्थान की यह परंपरा है, रजोगुण की भी वंश परंपरा चलती है, राजस्व के भी कार्य होते हैं। दूसरी परंपरा है कि रजोगुण शादीशुदा वाला नहीं है, सकृत वही है ना, धन तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद, दो दिन पहले भी कहा था, और सत्वगुण भी जो है वो हलचल नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो दोनों को सक्रिय करने में रजोगुण का उपयोग होता है, वो वंश परंपरा नहीं चलाता, उसकी वंश परंपरा तमोगुण और सत्वगुण के माध्यम से चलती है, स्वतः नहीं। इस दृष्टि से गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने कहा तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन वधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्वगुण जो है आत्मा की चित्ता प्रियता दोनों का अभिव्यंजक संस्थान है, आत्मा चिद्रूप भी है आनंद स्वरूप भी है, सत्वगुण का उद्रेक होने पर दोनों की अभिव्यक्ति होती है।